वेलकम बैक टू WS चैनल। चलो चालू करते हैं आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जंगल की आँच जो फैल रही है ग्रीस में, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि तुर्की में 6-7 दिन से जो है कि कंटिन्यूसली जो जंगल की आँच चारों तरफ फैल रही है तुर्की में, वैसे ही ग्रीस में चालू हो चुकी है फायर 3 दिन से कंटिन्यूसली। और उसका जो रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, उसका रीज़न जो मेन है बता रहे हैं। और जो ग्रीस में ये वाइल्ड फायर चालू हुआ है उसकी वजह से जो उनके जो खेतों को नुकसान और उनके जो रेसिडेंशियल एरिया में जो नुकसान हुआ है वो लोग आपको सामने बता रहे हैं। क्या क्या इश्यूज़ है वाइल्ड फायर की वजह से लोग फेस कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं। और जो फायर फाइटर्स है वो कुछ हेलीकॉप्टर की मदद से या फिर बाकी जो इक्विपमेंट रहते हैं वो मदद से वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ग्रीस की जो मिलिट्री है वो भी मदद कर रही है फायर बुझाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 दिन से कंटिन्यूसली ये जो फायर है क्या बढ़ रहा है। और जो सिटीज़ और बड़े बड़े जो विलेजेस हैं वो भी पकड़ रहे हैं ये फायर को। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना काला धुआं है और चारों तरफ जो है क्या ब्लैक ही दिख रहा है, क्योंकि जो पूरा धुआं जंगल का चारों तरफ फैल रहा है और जो आसपास के इलाके हैं उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। इस वजह से उनको जो लोकल अथॉरिटी है उन्होंने बोला है कि मास्क के बिना आप अपने घर के बाहर ना निकलें। लोकल जो एक्सपर्ट है वो भी ये वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे क्या रीज़न है वाइल्ड फायर का। Because of the pollution, the air pollution and the microparticles, we've been asked to wear masks, N95s or double mask so that we don't inhale all this burnt mass. Started in early June, and it's been going on and on and on with temperatures above in high 30s and last week in the low 40s Celsius. With just a couple of weeks respite where the temperatures fell in the low 30s. So for many, many weeks, we've had extraordinary heat, extremely low levels of humidity. And so all of the ecosystems have been extremely dry and totally imbalanced, directly related to climate change. We've experienced in the last decade the highest levels of heat than we've ever experienced, I think historically, as far as documented temperatures are concerned. In Europe, we've had 2020 was the hottest year ever recorded. And you know, we've been talking about global warming for decades, and we haven't really kind of realized that global warming also means extraordinary heat, and especially extraordinary heat for cities. And the more people move to cities, now we have almost half the population of the earth living in cities. जैसे कि आपने सुना जो रीज़न बताया है एक्सपर्ट्स ने कि जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या मेन रीज़न है वाइल्ड फायर स्टार्ट होने का। और तुर्की में और ग्रीस में जो है फिलहाल में जो वाइल्ड फायर कंटिन्यूसली चल रहा है, और कैलिफोर्निया में भी अभी फिलहाल में स्टार्ट हुआ वाइल्ड फायर। और अगर चाहे ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को WS। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।